तो आज मैं बात करने वाली हूँ रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप के बारे में, मतलब जो वार्निंग साइंस होते हैं किसी भी रिश्ते में। अगर आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं तो आपको उस रिलेशनशिप से दूर हो जाना चाहिए। और रेड फ्लैग्स इसलिए बोलते हैं कि आपको एक लाल झंडा दिखा दिया है कि इसके आगे आप अगर बढ़ते हैं तो खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले है झूठ। और देखिए, सभी लोग झूठ बोलते हैं, पर कई लोग झूठ की खेती करते हैं। मतलब उनका एक घंटा दिन का नहीं निकलता है झूठ बोले बिना, और वो लोग इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, यहाँ से झूठ बोलना सीखे, एक घंटे में क्रैश कोर्स करे। तो उनको ना आदत हो जाती है झूठ बोलने की। तो सोचो, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में वो इतना ज़्यादा अगर झूठ बोल रहे हैं, व्हाइट लाइज जिसको बोलते हैं, सफ़ेद झूठ, और किसी भी समझदार सेंसिबल इंसान को समझ आ जाता है कि ये मेरा पार्टनर झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो झूठ बोलते रहते हैं क्योंकि आदत हो गई है। तो सोचिए और कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपा रखी होगी। तो झूठ बोलने से ऐसे रिश्ता नहीं टिकता। फिर है ट्रस्ट इश्यूज, एंड आई डोंट नीड टू टेल यू मच अबाउट दिस, क्योंकि भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी रिश्ते में, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में है तो वहां पे भरोसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बिना नहीं टिकता कोई भी रिश्ता। और मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर कि नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठाया, फ़ोन लेट उठाया, मतलब किसी और के साथ ही बंदा मतलब बाथरूम भी जा रहा है ना, इतना अगर आपको डर लग रहा है कि मैं अगर बाथरूम भी मुझे जाना है या कहीं भी जाना है, अपने पेरेंट्स के साथ भी कहीं पर जाना है, तो नहीं पहले मैं उसको मैसेज कर देती हूँ उसके बाद मैं जाऊँगी, वरना वो मेरे पे शक करेगा कि तू कहाँ चली गई थी। फिर जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, नार्सिसिस्ट है, गैसलाइट करता है, तो आपको उस इंसान से भी दूर हो जाना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ इसलिए रखी है क्योंकि अगर ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी किसी इंसान में है ना, तो ये बाकी के दो भी ऑटोमेटिकली होंगे ही। कि अगर वो आपको गैसलाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो नार्सिसिस्ट होगा और आपको मैनिपुलेट भी करता होगा, और अगर आपको मैनिपुलेट करता है तो वो नार्सिसिस्ट भी होगा और आपको गैसलाइट भी करता होगा। और इनका मीनिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो देखिए, मैनिपुलेट तब होता है कि जैसा वो इंसान चाहता है वही आप कर रहे हो, चाहे वो सही है या गलत है। अगर आपके हित में भी नहीं है तब भी वो इंसान आपसे कुछ करवा रहा है तो उसको मैनिपुलेट करना कहते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें इंसान को सिर्फ दिखता है मैं, कि मेरे अराउंड ही ये पृथ्वी घूमे, ये सारे लोग घूमे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वही सही है और जैसा मैं बोलूँ वैसा ही वो जो भी लोग मेरे अराउंड है वो वही करे, वरना वो फिर उसका दिमाग खराब हो जाएगा या तो आपका ही दिमाग खराब कर देगा। और गैस लाइटिंग भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है वो उसमें आपको ही ब्लेम कर देगा कि अगर आपने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया किसी चीज़ में, या अगर वो इंसान कुछ गलत करा, आपका पार्टनर जैसे उसने कुछ गलत काम करा, आपने देख लिया कि तूने ये काम गलत करा, और फिर उसके बाद वो आपको ही ब्लेम कर देगा कि नहीं तेरी वजह से ही मैंने ऐसा करा। तो उसको गैसलाइटिंग बिहेवियर कहते हैं। और इन तीनों के बारे में ना मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको ये नार्सिसिस्ट और गैसलाइटिंग के बारे में ज़्यादा जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कई लोग सेल्फ ऑब्सेस लोगों को भी नार्सिसिस्ट बोलते हैं, पर मैं नार्सिसिस्ट टर्म नहीं देना चाहूँगी ऐसे लोगों को, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेशन जब उस लेवल तक बढ़ जाता है कि जब वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगे तब वो आप उसको नार्सिसिस्ट बोल सकते हो। पर अगर वो थोड़ा बहुत है, क्योंकि देखिए थोड़े तो सभी लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, तो उन सबको आप नार्सिसिस्ट नहीं बोल सकते हैं, तो नार्सिसिस्ट कहना ऐसे लोगों को ठीक नहीं होगा। पर हाँ, अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने लगे उनका सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर, तब वो नार्सिसिस्ट हो जाते हैं और उसमें आपको दूर हो जाना चाहिए। फिर अगली चीज़ है अनरिजॉल्व्ड पास्ट इशूज़। तो अगर आपके पार्टनर के कुछ ऐसे इशूज़ हैं, उसके एक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, या अगर उसके मन में फीलिंग्स है अपने एक्स के लिए, तो ऐसे इंसान के साथ भी आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक रीबाउंड होता है, रिलेशनशिप नहीं होता है, अगर वो अपने पुराने रिश्ते से ही उभरे नहीं है। और कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो हील कर दूंगा, मैं तो रिहैबिलिटेशन सेंटर हूँ, नशा मुक्ति केंद्र हूँ, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है सब चीज़ मैं ही ठीक कर दूंगा। तो देखिए, 90% टाइम्स ऐसा नहीं होता है। कई लोग कर भी देते हैं, पर देखिए सभी लोग, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। और होता क्या है कि वो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम करने लगता है और आपको भी मेंटली प्रॉब्लम होने लगेगी और उससे आपको फिजिकली भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अपने पार्टनर को या जिसके साथ भी आप रिश्ते में आना चाहते हैं उसको पहले हील होने दीजिए उस प्रॉब्लम से जो उसकी एक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वो एक डिजीज और बीमार इंसान आपको भी बीमार बना सकता है, ठीक है। तो ये जो अनरिजॉल्व इश्यूज है ना, उसको पहले सॉल्व होने दीजिए, उसके बाद ही उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने का सोचिए। फिर ये ब्लेम गेम अगर बहुत ज़्यादा होता है कि हर चीज़ के लिए, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है, वो कुछ भी खुद से भी कुछ गलत कर दे, तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराता कि नहीं तेरी वजह से ये हो गया, नहीं तूने ऐसा करा था, तूने ऐसा बोला था तो इस वजह से हो गया, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और इसको भी गैस लाइटिंग बोलते हैं। तो ये ब्लेम गेम भी अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे
ऐसे इंसान से दूर रहिए, या तो उनको बोलिए चेंज होने के लिए, और वो चेंज नहीं होते हैं तो आप उनको ही चेंज कर दीजिए। अच्छा देखिए, जब भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो जब आप बाहर जाने लगते हो, डेट्स पे जाओ, या आप उसके फ्रेंड से मिलते हो, या आपने देखा उसको अपनी फैमिली से कैसे बिहेव करता है, तो आपको उसका बिहेवियर देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत ही बैड बिहेवियर है, बहुत ही बदतमीजी से सबको ट्रीट करता है, बहुत ही नीचा दिखाता है, बहुत ही गलत तरीके से बात करता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट कहीं भी करने लगे, क्या करोगे ऐसे इंसान के साथ रहे? सो नेक्स्ट, इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़ जा रहा है, भाग रहा है रिलेशनशिप इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में ही इतना तेज़ी से दौड़ रहा है रिलेशनशिप की, शादी की बात हो गई है 2-3 हफ्ते में ही, तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू नो द पर्सन, उस इंसान को जानिए कि वो कैसा है, क्योंकि देखिए अगर ये फीलिंग जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है, कई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ओ हो 2-3 हफ्ते में ही शादी की बात कर ली, पर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि आपने तो उस इंसान को अच्छे से जाना ही नहीं है। पहले जान जाइए कि क्या है, और ऐसे इनिशियल स्टेज पर ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए। और कई बार ये भी हो जाता है ना कि जो एक पार्टनर होता है ना बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है कि नहीं हर टाइम उसके साथ रहे, हर टाइम मिलो मिलो मिलो, फ़ोन पर रहो, तो ये ओवर पजेसिवनेस जो होती है ना, तो वो भी ठीक नहीं होती है किसी रिश्ते के लिए। अब इसका दूसरा साइड ये है कि आपका रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, अगर 6 महीने हो गए हैं, तो मैं बोलती हूँ कि किसी भी रिश्ते का एक विजन होना चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आगे जाके क्या होना है, शादी करनी है नहीं करनी है, कहाँ जा रहा है ये रिश्ता। पर एक पार्टनर बस ये बोले जा रहा है गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इतना टाइम हो गया, नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा होता है तो कर लेंगे, नहीं होगा तो देखेंगे देखेंगे आगे देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। स्पेशली आफ्टर 25 देयर शुड बी अ विजन, और अगर नहीं है सो गेट लॉस। अच्छा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 महीने 1 साल के बाद आप शादी कर लो, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अश्योरिटी, पता होना चाहिए कि आगे करना क्या है। ये नहीं कि 6 महीने आज इसके साथ, 1 साल आज उसके साथ यही करते रहो। एक सर्टन एज के बाद ना, मतलब जो मैंने आपको 25 बताया उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं कि टाइम पास करे जा रहे हो अभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, ऐसा नहीं होता। फिर नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर की कंपनी कैसी है, मतलब उसकी संगत कैसी है, उसका मैक्सिमम टाइम कैसे लोगों के साथ बीतता है, उसका उठना बैठना, ज़्यादातर जो उसकी संगत रहेगी जैसे भी लोगों की, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उनका बैड बिहेवियर है, बहुत ही गलत हरकतें हैं, तो वो असर आपके पार्टनर पर भी पड़ेगा ही आज या तो कल, ऐसा वो होगा ही, उसका भी नेगेटिव बिहेवियर होगा ही। तो ये जरूर देखिए कि उसका ज्यादातर समय उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अगर वो गंदे लोगों के साथ रहता है तो उस पर भी वो असर पड़ेगा। फिर आखिरी चीज़ है आपकी गट फीलिंग, जो आपकी इंट्यूशन होती है, और ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में हमारी गट फीलिंग ठीक ही होती है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी गट फीलिंग आपको अलाउ नहीं करती है इस इंसान के साथ रहने के लिए, सो जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो यही था इस वीडियो के लिए, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना उन लोगों के साथ जो ऐसे गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जाना है, जैसे जो मैंने नार्सिसिस्ट बिहेवियर बताया, गैस लाइटिंग बताया, या कोई और भी रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक होगा आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूरी है। नया चैनल है तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं और वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है।